फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। पेंडुलम पता है क्या होता है? घड़ी में अभी फिजिक्स के प्रैक्टिकल में देखा होगा, ठीक है, ऐसे करके लंबा होता है, यहाँ पे बॉल होती है मेटल, ये ऐसे टर्न टर्न करके चलते रहता है। अब क्वेश्चन में क्या रहा है, एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर, यहां से मान लीजिए ये है पेंडुलम, ठीक है, इसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर, और जो इसका जब ये पेंडुलम चलेगा तो ये ऐसा ऐसा जाएगा, यहां से ये पेंडुलम यहां आएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां जाएगा, ऐसे जाएगा, ये ऐसे करके बनेगा, कुछ बनेगा। अब कहा है एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ 75 सेंटीमीटर है और इसमें से ये जो नीचे आर्क बन रहा है इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो ये पूछा है कि बताओ बीच में कितना एंगल बन रहा है। यहां पे बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है? इसमें ये एक सेक्टर है, ये यहां से यहां है, ये पेंडुलम की लेंथ जो है 75 है, तो ये लेंथ भी 75 ही होगी, तो इसका मतलब रेडियस जो है वो 75 सेंटीमीटर है। फॉर्मूले में डाल के आंसर निकालो, बस थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, थीटा इज इक्वल टू 10 अपॉन 75, 2 जा 2 बाय 15 थीटा की वैल्यू, पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में लेंथ ऑफ आर्क ये दी हुई है 15 सेंटीमीटर, रेडियस वही रहेगा 75 सेंटीमीटर, फिर ये फॉर्मूला आएंगे थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू 15 अपॉन 75, 5 थीटा 15, 5 25 से 75 फिर थर्ड वाला है, थर्ड वाले में आर तो 75 ही है और एल की वैल्यू दी रखी है 21 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, 21 अपॉन 75, 37 जो 21, 325 जो, बस खत्म, ये एक्सरसाइज फिनिश्ड। समझ में आ गया, कुछ भी नहीं था इसमें, तो खाली एक फॉर्मुलेट मैं दो वैल्यू रखनी थी, तीसरी वैल्यू निकालनी थी, आ गया, नोट करो। अब ये है साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, जब भी एक्स इज इक्वल टू एन पाई होगा। अब इसका क्या मतलब, साइन एक्स जीरो होगा जब भी एक्स इज इक्वल टू एन पाई होगा, एन की वैल्यू मैं कुछ भी रखू, एन की वैल्यू में कुछ भी, जैसे हाँ जैसे मैंने एन की वैल्यू जीरो रखी तो एक्स की वैल्यू जीरो आई, इस जीरो एक्स की वैल्यू जीरो, तो जीरो का एन की वैल्यू रखी जीरो इंटू पाई, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाता है ना, तो एक्स की वैल्यू जब भी जीरो होगी ना, एक्स की वैल्यू जीरो आई और साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो। अब और आगे बढ़ते हैं, वन रख देते हैं, वन रखूंगा तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, साइन इज इक्वल साइन एक्स
इसमें वैलिडिटी लेना है, रूल लेना है, वैलिडिटी लेना है, कुछ नहीं लेना है, ये फार्मूला है, जनरल फार्मूला है 1 पाई जब भी x की वैल्यू n पाई होगी तो sin x की वैल्यू 0 होगी। x की वैल्यू n पाई होगी मतलब n की जगह तुम कुछ भी वैल्यू रखो तो x की वैल्यू क्वेश्चन आगे आएगा मैं बताऊंगा कैसे आएगा। n की वैल्यू तुम कुछ भी रखो, x की वैल्यू n की वैल्यू अगर मैं क्या रख सकता हूं, मैं 0 रख सकता हूं, 1 रखूंगा तो पाई आ जाएगा, 2 रखूंगा 2 पाई आ जाएगा, 3 रखूंगा 3 पाई आ जाएगा, 4 रखूंगा 4 पाई आ जाएगा, 5 रखूंगा 5 पाई आ जाएगा, ऐसे आते रहेगा। तो x की वैल्यू इन सब केसेस में 0 होगी, sin x की sin 0 की वैल्यू भी 0 होगी, sin पाई की वैल्यू भी 0 होगी, sin 2 पाई की वैल्यू भी 0 होगी, sin 3 पाई की वैल्यू भी 0 होगी, sin 4 पाई वैल्यू भी 0 होगी, sin 5 पाई वैल्यू भी 0 होगी, sin 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, 10 पाई, जितना भी पाई होगा उनकी वैल्यू 0 होगी। ये एक जनरल फार्मूला है, ठीक है, कोई दिक्कत पक्का? cos x is equals to 0 जब x is equals to 2n plus 1 pi upon 2, ठीक। अब मैं x की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूं, x की वैल्यू जब मैं 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब x की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू मैं यहां पे 1 रख देता हूं तो क्या हो गया 3 pi by 2, 2 रख देता हूं तो 5 pi by 2, 3 रख देता हूं तो 7 pi by 2, 4 रख देता हूं तो 9 pi by 2, ऐसी आगे को जो भी है। तो ये एक तुम्हें फॉर्मूला बता रखता है, अगर तुम्हें साइन जैसे 3 pi by 2 की वैल्यू वहीं पे निकालने के लिए आती है और मैं नहीं पता क्या होती है वैल्यू cos 3 pi by 2 की, तो ये फॉर्मूला अगर पता होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा cos 3 pi by 2 की वैल्यू 0 होती है, वैसे ही साइन वाले केस में, ठीक है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत, नोट करा दो, नोट कर दो, इतना छोड़ वो कर। ये कुछ याद है, याद है कुछ? एक थप्पड़ मारो, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पड़ी थी, ट्रिग्नोमेट्री में टेबल नहीं थी, मैंने आधी टेबल बनाई है बस टेन तक, और क्या लगा इसमें? वहां तक है ठीक, जीरो को तो जीरो ही लिखते हैं कहीं भी लिखते हैं, तो 30 को क्या लिखते हैं? 30 हाँ, पाई बाय 6, 45 पाई बाय 4, 60 पाई बाय 3, 90 पाई बाय 2, 180 पाई, 270 3 पाई बाय 2, 360 2 पाई, साइन जीरो की वैल्यू क्या थी? जीरो, वन बाय टू, वन बाय रूट टू, रूट थ्री बाय टू, वन, जीरो, माइनस वन, प्लस का वन, ये तो जीरो माइनस वन ही होता है क्या? सॉरी जीरो, यहाँ तक तो पहले पढ़ रखी है ना, ये तीन चीजें और जुड़ गई हैं इसमें। ये कैसे यहां तक अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, ये तीनों वैल्यू आराम से निकल जाएंगे, मैं बताऊंगा कैसे निकलेगी। फिर 1 रूट 3 बाय 2, 1 बाय रूट 2, 1 बाय 2, 0, माइनस 1, 0, 1, 0, 1 बाय रूट 3, 1 रूट 3, नॉट डिफाइंड, 0,
नॉट डिफाइंड जीरो। इसमें तीन ही बनेगा साइन कॉस टेन, तीन बता रखे हैं। कॉसेक आएगा तो वन अपॉन साइन करना है, जो कॉसेक की वैल्यू होगी कॉसेक जीरो की वैल्यू, तो वन अपॉन साइन जीरो की जो वैल्यू है वो वन अपॉन साइन थर्टी की वैल्यू जो है वो। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ पहले दसवीं की, खोली नहीं किताब कभी, कैसे बात हो जाए। अब मैं सबके सब छः के छः लिखने थोड़ी बैठूँ, अपने नोट पर फटाफट जल्दी नोट कर। तो कॉसेक से कॉट खुद लिख के लेके आएगा घर से, वो भी काम आएंगे बिल्कुल सब काम आएंगे। और बुक में मत ढूंढना क्योंकि मिलेगा नहीं, बुक में है ही नहीं, बुक में खाली क्वेश्चन होंगे उसका उसके। फटाफट नोट कर पढ़ो। जैसे क्वेश्चन होगा किसी ने पूछा साइन थर्टी की वैल्यू निकालो, तो पता है साफ साफ वन अपॉइंट टू के इक्वल होगी। अगर मैंने पूछा साइन माइनस थर्टी की वैल्यू कितनी होगी, क्या होती है, क्या होती है, प्लस की माइनस की, फॉर्मूला एक होता है साइन माइनस साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये फॉर्मूला है। और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस का कॉस थीटा, ठीक है। अब ये क्यों होता है एक चीज बता दो, ये वो चीज बताऊंगा उससे याद हो जाएगा तो बोला। ये होते हैं चार क्वाड्रेंट हमारे, ठीक है। अब इसको याद करने की एक ट्रिक होती है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। ग्राफ बनाया होगा जब तक पता होगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। इतना ही पता है। ऑल स्कूल टू कॉलेज मतलब ऑल, पहले वाले क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल होगा, पहले वाले क्वाड्रेंट में अगर एंगल होगा इसका मतलब जीरो से लेकर 90 डिग्री के बीच में कोई एंगल होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, 90 से 91 होगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएगा। तो जीरो से 90 डिग्री के अगर बीच में कोई एंगल होगा, चाहे फिर उसका साइन निकाले, कॉस निकाले, टेन निकाले, कोसेक निकाले, सेक निकाले, कॉट निकाले, सब पॉजिटिव होगा। ऑल का मतलब ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट कितना होगा, 91 से लेकर 180 तक, लगभग क्या 180 तक। ऑल स्कूल टू कॉलेज, दूसरा वर्ड है स्कूल, स्कूल शुरू होता है एस से, एस से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू होता है, साइन, साइन और उसका उल्टा क्या होता है, इनवर्स। साइन का इनवर्स क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन, साइन का उल्टा मतलब साइन इज इक्वल टू वन अपॉन क्या होता है, क्या होता है, साइन है, क्या हुई है? छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताए थे ना, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इसमें हर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो आपस में इनवर्स होते हैं। साइन जो होता है सारे फॉर्मूले लिखाए हुए हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा नहीं होता है, हां तो यही तो उसका इनवर्स है कोसेक थीटा। तो पहले वाले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरा वाला स्कूल जो है एस से शुरू होता है, तो साइन और साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो दूसरे वाले क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तीसरा है 2, 2 का मतलब 10, 10 और उसका इनवर्स क्या होता है, कॉट, कॉट, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब नेगेटिव होंगे। कॉलेज कॉस वो बताऊंगा पहले, इतना देख लें। कॉलेज कॉस, कॉस और उल्टा उल्टा सेक, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक,
सेट इनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब नेगेटिव होगी। पहले में और पॉजिटिव, दूसरे में साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव, फिर टेन, फिर कॉस। ठीक है, याद हो गया, नोट करना है तो नोट कर। अब क्वेश्चन ये है, कॉस एक्स की वैल्यू दे रखी है माइनस थ्री अपॉन फाइव, और ये कहा है कि एक्स जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो कहा है बाकी सब चीजों की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालो। कॉस दे रखा है, साइन, टेन, कॉस एक्स, एक्स, व्हाट सब निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो कॉस दे रखा है हमें, कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस एक्स का उल्टा, कॉस एक्स का इनवर्स क्या होता है, sec x, sec x जो होगा इसका उल्टा होगा, इसका मतलब sec x का आंसर आ गया माइनस फाइव बाय थ्री। cos दिया हुआ है, sec निकाल दिया, अब हमें sin निकालना है। सबसे पहले आइडेंटिटी हमें पता है, sin square x plus cos square x is equals to 1, sin square x की वैल्यू निकालनी है प्लस माइनस थ्री अपॉन फाइव का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, sin square x is equals to 1 minus 9 by 25, sin square x is equals to 16 by 25, sin x is equals to 16 upon 25 is equals to plus minus 4 upon 5. ठीक है, sin x की वैल्यू निकली 4 upon 5, ठीक, plus minus 4 upon 5, रूट से कभी भी किसी चीज को बाहर निकालते हैं तो plus minus दोनों आता है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि sin x की वैल्यू प्लस की 4 अपॉन 5 है कि माइनस की 4 अपॉन 5 है? क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि जो cos x का जो एंगल है हमारा वो तीसरे क्वाड्रेंट में आता है, तीसरे क्वाड्रेंट में आता है, तो sin जो है वो तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, बता। तीसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? तीसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो हमें यहां तक हमें दो वैल्यू मिलती थी, एक प्लस का 4 अपॉन 5, एक माइनस का 4 अपॉन 5, लेकिन हमें पता है कि एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है नेगेटिव होता है, तो साइन एक्स की वैल्यू माइनस 4 अपॉन 5। साइन एक्स की वैल्यू निकल गई तो अब कोसेक एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, कोसेक एक्स जो होता है साइन एक्स का इनवर्स होता है, तो माइनस 5 अपॉन 4 जो है कोसेक एक्स की वैल्यू, साइन निकल गई, कॉस निकल गई, कोसेक। अब 10, 10 एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, 10 एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, sin x की वैल्यू माइनस 4 अपॉन 5, cos x की वैल्यू माइनस 3 अपॉन 5, कैंसिल करेंगे तो माइनस, नहीं माइनस 4 अपॉन 3 tan x की वैल्यू, sin cos tan cos x। अब sec x जो होता है 1 अपॉन cos x होता है, तो माइनस 5 अपॉन 3, cot x इज इक्वल टू tan x का इनवर्स 3 अपॉन 4। sin x की वैल्यू माइनस 4 अपॉन 5, cos x की माइनस 5 अपॉन 4, tan x की वैल्यू 4 बाय 3, cot x की वैल्यू 3 बाय 4। ठीक है, जल्दी नोट करो। हाँ, चलो इधर देख, इधर देख, cos x माइनस 3 बाय 5 है, क्वेश्चन में इतना दिया हमें, दिया क्वेश्चन में इतना दिया हुआ, cos x की वैल्यू माइनस 3 अपॉन 5 है, और जो x एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो कहा है कि बाकी सब चीजों की ट्रिग्नोमेट्री, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालो, और बाकी 6, बाकी 4, 3 की बाकी, बाकी 5 की, 5 6 5 5ों की, वो मैंने लिखा नहीं वहां पे, इसका मतलब ये थोड़ी कि 3 है ही नहीं। तो cos x की वैल्यू -3 / 5 दी थी हमें, sec x जो होता है cos x का उल्टा होता है, रिवर्स होता है, इनवर्स होता है sec x, हां, तो इसको इनवर्स किया तो माइनस 5 अपॉन 3 आया, ये sec x की वैल्यू निकल गई, cos x का रिवर्स होता है sec और cos, रिवर्स नहीं होता, इनवर्स होता है, इनवर्स, sec x की वैल्यू -5 / 3 आ गई,
अब उसके बाद आगे और चीज निकाल दी थी तो एक आइडेंटिटी कराई थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, टेंथ में पढ़ी थी, पूरी नहीं पढ़ी होगी तो वो अलग चीज है। ये होती है साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे रखा, इसमें कॉस एक्स की वैल्यू रखी, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू, ये साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ से हमने सॉल्व किया तो 16 अपॉन 25 आया, स्क्वायर था इसको इधर रूट में भेजा तो प्लस माइनस 4 अपॉन 5 आया, प्लस माइनस 4 अपॉन 5 इसका मतलब दो वैल्यू आई, एक प्लस की 4 अपॉन 5 आई, एक माइनस की 4 अपॉन 5 आई। लेकिन हमें पता है कि एंगल जो है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो हमने माइनस वाली वैल्यू ले ली, ये सही वैल्यू है sin x माइनस 4 अपॉन 5। अब cos x निकालना है, वो sin x का इनवर्स होता है तो ये माइनस 5 अपॉन 4 आ गया। उसके बाद tan x जो होता है वो sin अपॉन cos होता है, तो sin की वैल्यू हमारी ये निकली थी माइनस 4 अपॉन 5, cos की वैल्यू ये दे रखी थी हमें माइनस 3 अपॉन 5, इसको सॉल्व किया तो tan की वैल्यू 3 अपॉन 4 अपॉन 3 आ गई। उसके बाद sec x की वैल्यू, sec x जो होता है cos x का इनवर्स होता है, cos x की वैल्यू माइनस 3 अपॉन 5 थी, इसका इनवर्स किया तो माइनस 5 अपॉन 3 आई, ये sec x की वैल्यू होगी। फिर cot x जो होता है tan x का इनवर्स होता है, tan x की वैल्यू 4 अपॉन 3 थी, इसका इनवर्स किया 3 अपॉन 4 आया, cot x की वैल्यू। साइन कॉस दिया हुआ था, टेन कॉस एक्स सेक कॉट, छह की छह वैल्यू निकल गई, बस और कुछ नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत, नोट कर लिया नहीं है, बस कॉट एक्स की वैल्यू माइनस 5/12 दी है, कहा है कि एक्स जो है सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, तो बाकी और चीजों की वैल्यू निकालो। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कॉट एक्स का इनवर्स होता है टेन एक्स, tan x की वैल्यू होगी माइनस 12 अपॉन 5, दो चीजें तो निकल गई ना, एक चीज निकल गई तो दूसरी। अब हमें आइडेंटिटी पता है, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर x माइनस माइनस 12 अपॉन 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर x माइनस 144 अपॉन 25 इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस 144 अपॉन 25, इसको सॉल्व करेंगे तो sec x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 169 अपॉन 25 प्लस माइनस का, sec x की वैल्यू आई प्लस माइनस 13 अपॉन 5। अब sec x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होगा माइनस होगा, प्लस सेट एक्स इज इक्वल टू माइनस 13 अपॉन 5, सेट की वैल्यू निकल गई, टेन की वैल्यू निकल गई, कॉट की दी हुई थी, सेट का इनवर्स होता है सेक एक्स जो होता है वो 1 अपॉन कॉस एक्स होता है, तो 30 माइनस 13 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स, यहां से cos x की वैल्यू निकल गई माइनस 5/13। अब हमारा क्या रह गया, sin cos x, sin cos निकल गया, tan निकल गया, cos x रह गया, sec cot sin रह गया। हमें एक आइडेंटिटी पता है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, sin स्क्वायर x प्लस माइनस 5/13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये उधर जाएगा तो माइनस 25 अपॉन 169, साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 144 अपॉन 169 साइन एक्स। अब यहाँ पे ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, 12 अपॉन 13 साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया, कॉसेक रह गया, कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 12/13, इसे सॉल्व करेंगे 13 अपॉन 12, cosec x की वैल्यू भी निकल गई।
फटाफट लो। सीधा सा क्वेश्चन दिया है, साइन 31 पाई बाय 3 की वैल्यू निकालो। 31 पाई बाय 3 बोले तो साइन 1860 की वैल्यू कैसे होगा? साइन की वैल्यू में कभी क्या बोलते हैं क्या समझ नहीं आया? कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है कि फिगर नहीं है ना कुछ ऐसा हो रहा है? क्या रियल नहीं है? फिगर नहीं है ना कोई उसका फॉर्मूला है। ठीक, साइन 90 की वैल्यू में तेरे से पूछूंगा तो तेरे को फिगर चाहिए क्या उसके लिए? फिगर चाहिए तो वैसे ही कहा है साइन 31 बाय 3 पाई की वैल्यू निकालो। रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में कन्वर्ट किया हमने तो ये आ गया। कैसे डिग्री की वैल्यू क्या? हाँ, जैसे साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 45 की 1/√2 होती है, वैसे साइन 1860 की कितनी होगी ये पूछा है क्वेश्चन। साइन 31 बाय 3 पाई की कितनी होगी? कभी भी हम साइन की वैल्यू को सॉल्व करते हैं ना तो क्या होती है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, फिर 0, -1, 0, 0, -1, 0, ये होती है 0 की, ये होती है पाई बाय 6 की, ये होती है पाई बाय 4 की, ये होती है पाई बाय 3 की, ये होती है पाई बाय 2 की, ये होती है पाई की, ये होती है 2 पाई की, और ये 3 पाई बाय 2 की, नहीं, ये होती है 3 पाई बाय 2 की, और ये 2 पाई। साइन की वैल्यू ना यहीं तक अलग होती है, ये फिर से ये वाली वैल्यू शुरू होगी। 2 पाई के बाद अगर हम आगे वैल्यू निकालेंगे तो फिर 1/2 आएगी, फिर 1/√2 आएगी, फिर √3/2 आएगी, फिर 1 आएगी, फिर 0 आएगी, फिर -1 आएगी, और फिर 0 आएगी, उसके बाद फिर 1/2, ऐसे करके रिपीट होती रहेगी। साइन जो होती है 1/2 हमने निकाला किसी पे 1/2 नहीं, कौन सा ये? हां ये 0, 30, 45, 60, 90 तो है, 0, 1/2, 1/2, 3/2, 1, ये तो पिछले साल ही पढ़ी है, फॉर्मूला कहाँ है, पहले पिछले साल पढ़ी है, टेबल वाली। एक चीज याद रखना, वैल्यू ऑफ साइन रिपीट्स आफ्टर 2 पाई, 2 पाई तक की मैंने वैल्यू लिख दी, इसके बाद मैं आगे और वैल्यू निकालूंगा तो फिर यही आएगी लाइन, फिर आगे निकालूंगा फिर यही लाइन आएगी। हाँ, 2 पाई बाई के बाद, 2 पाई बाई के बाद, 2 पाई के बाद साइन की वैल्यू रिपीट होती है, इतना ठीक है? अब ये नोट कर लेना या कुछ कर लेना, याद रखना कि 2 पाई के बाद इसकी वैल्यू रिपीट होगी। साइन 31 पाई बाय 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? साइन 10 पाई प्लस पाई बाय 3, साइन 10 पाई बाय प्लस पाई बाय 3, इसको तोड़ के भी लिखा है मैंने, ठीक है। अब अभी एक चीज बताई थी कि वैल्यू साइन की वैल्यू 2 पाई के बाद रिपीट होती है, 2 पाई के बाद रिपीट होती है तो 4 पाई के बाद भी रिपीट होगी, फिर 6 पाई के बाद भी रिपीट होगी, फिर 8 पाई के बाद भी रिपीट होगी, फिर 10 पाई के बाद भी रिपीट होगी, 10 पाई के बाद भी रिपीट होगी। तो इसका मतलब साइन 10 पाई प्लस पाई बाय 3 की वैल्यू होगी साइन पाई बाय 3 के, और साइन पाई बाय 3 कितना होता है? √3 पाई, बस साइन पाई बाय 3 कितना होता है? हाँ, 180/3 किया, कैंसिल किया, 60 आया, साइन 60 की वैल्यू √3 बाय 2, छोटी से छोटी नहीं,
छोटे से छोटी यूनिट क्यों, साइन 60 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 तो होती है। अरे नहीं, साइन वो टेबल नहीं पड़ी थी, वो टेबल में साइन 60 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 थी। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, उसके बाहर तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो कहां से निकालूंगा 1860 की वैल्यू। तो ऐसे ही उसे तोड़ मरोड़ के देखना पड़ता है। यहां पे 10 पाई मैंने देखा, 10 पाई का मतलब ये एक क्वाड्रेंट है, यहां से एंगल शुरू हुआ, ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई, 2 पाई का तो खत्म हो गया। और जब 3 पाई कहते हैं तो ये फिर से आता है एंगल इधर को, 4 पाई कहते हैं फिर आता है, 5 पाई में फिर आता है, 6 पाई में फिर आएगा, 7 पाई में फिर, 8 पाई में फिर ऐसी, फिर 9 पाई, फिर 10 पाई। अब 10 पाई प्लस 10 पाई प्लस पाई बाय 3 थी, 10 पाई हमारा यहां पर खत्म हुआ, तो पाई बाय 3 यहां से ऊपर को बनेगा नहीं यहां पर इस वाले क्वाड्रेंट में। बस वरना 1860 की वैल्यू तुम कैसे निकाल सकते हो? ठीक है, बस इससे ये बनाना आना चाहिए, तोड़ना, और इसको या तो पाई में तोड़ना है या 2 पाई या पाई बाय 2 में तोड़ना है या 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई जितने में तोड़ सको। कर नोट करो, अब कहा है cos -1710 की वैल्यू निकालो। जैसे भी कहा था 2 पाई जो साइन जो है वो 2 पाई के पास रिपीट होता है, वैसे cos रिपीट इटसेल्फ आफ्टर 2 पाई, 2 पाई के बाद ही cos भी रिपीट होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले तो हमें इसका एंगल माइनस में दे रखा है, हमें इसका एंगल प्लस में बनाना पड़ेगा। कॉस प्लस में बनाने के लिए इसमें सबसे क्या जोड़ना चाहिए? -1710 इसको प्लस बनाने के लिए कम से कम 1800 जोड़ना पड़ेगा इसमें। ठीक है, ठीक है ना, ये 1800 क्या है? 5 × 360, 1780 इसलिए नहीं जोड़ सकते ना क्योंकि हमें पता है cos जो है 2 पाई के बाद रिपीट होता है, तो 1780 का 2 पाई का कोई हिसाब ही नहीं बैठेगा, इसलिए हमने इसे 1800 के बराबर जोड़ा। 1800 क्या है? 5 2 पाई के इक्वल है, इसमें 2 पाई ही जोड़ना पड़ेगा, चाहे 1 2 पाई जोड़ो, चाहे 2 2 पाई जोड़ो, चाहे 3 जोड़ो, 4 जोड़ो, 5 जोड़ो, हमने इसे 5 जोड़े 2 पाई। यह है क्या? cos -1710 + 5 × 2 पाई ही है, और 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट होती है, तो इसमें 5 2 पाई जोड़ो या 50 2 पाई जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतने जोड़ दिए, कोई दिक्कत इतने में? अब ये क्या है? cos -1710 + इसको सॉल्व करेंगे तो 1800 आएगा। अब इसको सॉल्व करके आ गया cos 90, इसको सॉल्व किया -1710 + 1800। ठीक है, इसको प्लस माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, 1710 और 1800 को माइनस माइनस 1710 की वैल्यू 0। ठीक है, पूछ ले कुछ पूछना। थ्री पॉइंट टू का पहला क्वेश्चन तो घर से करके लेके आना, वही एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दी हुई है, बाकी 5 निकालने, उसके 5 पार्ट हैं, तो 25 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालनी है, देख लेना करके। हाँ आप बताता हूँ, 3.2 का 6th क्वेश्चन,
ये थोड़ा अच्छा है। एक्सरसाइज 3.2 पांच क्वेश्चन तो खुद करना। सिक्स क्वेश्चन है साइन 765 की वैल्यू निकालनी, ठीक है। साइन 765 के नजदीक क्या होगा 2π में? की वैल्यू निकालनी है, इसके आसपास 2π आना चाहिए, मतलब नहीं 2π आना ही चाहिए। 360 हाँ, 36 तो नहीं बहुत कर, माइनस से प्लस करने में ना भैया कुछ भी कर ले, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 720 प्लस 45 लिख सकते हैं। 720 के उसमें तोड़ना था इसको, आंसर अभी नहीं निकला है, मैं कह रहा हूँ इसको लिख सकते हैं ना 765 को। हाँ 720 की जो बात है, तो साइन ये 720 है क्या? 2π है, 2π क्या है? ये नहीं 2π क्या है? 4π है, 4π है। साइन की वैल्यू 2π के बाद रिपीट होती है, तो साइन ये 4π है, 4π है इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी साइन 45, इसका मतलब इसका आंसर है 1/√2। ये किया मैंने साइन 765 की वैल्यू निकालनी थी, मैंने इसे पाई के आसपास तोड़ा, मतलब जैसे हमें पता है 2π के बाद रिपीट होती है साइन की वैल्यू, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको 2π के पास तोड़ा, 2π कितना है, 2π कितना होता है 360 से भी बहुत दूर है, तो 4π के पास तोड़ा, 4π कितना होता है 720, तो 720 के आसपास आ रहा था, तो इसको ब्रेक कर लिया 720 और 45 में, ठीक हो गया। अब 720 क्या होता है, 4π होता है, 4π प्लस 45 हो गया। साइन की वैल्यू 2π के बाद रिपीट होती है, साइन की वैल्यू अभी दिखाया था, साइन और कॉस की वैल्यू 2π के बाद रिपीट होती है, और कॉस का कोसेक के लिए वो बाद में आएगा, जब आएगा तब बताऊंगा, अभी जो साइन का साइन और कॉस की बता रहा हूं वो देखिए, साइन की वैल्यू 2π के बाद रिपीट होती है, 2π के बाद कब रिपीट होगी, 4π के बाद रिपीट होगी, फिर 6π के बाद, फिर 8π के बाद, तो 4π के बाद रिपीट होती है। इसका मतलब 4π के बाद अगर हम किसी भी चीज की वैल्यू निकालें तो वो वैसी आती है जैसे 0 1/2 1/2 2 3/2 आती है। तो हमसे कहा है 4π के बाद 45 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 45 के इक्वल होगी, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, खत्म। नोट कर पटाफट।